हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रोकैरियोटिक जीनोम डिस्कस कर लिया था, आज हम यूकैरियोटिक जीनोम को डिस्कस करेंगे। देखिए, जीनोम को डिस्कस करने में हम लोग डिस्कस क्या करते हैं कि जो जीनोम है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के वो जीनोम बना होता है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसे पैक होता है, इन्हीं सब चीज़ों को हमें डिस्कशन करना होता है जब हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो और इसमें कुछ हमें नहीं करना। काफ़ी चीज़ें आपको यूकैरियोटिक जीनोम के बारे में पता भी हैं, कुछ नहीं भी पता है जो आज हम नया आपको बताने वाले हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको सभी लोग पढ़ें, कुछ डिटेल पॉइंट हैं तो वो उसी वही लोग पढ़ें अच्छे से जिनको आगे कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है या देना है, तो उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ये थोड़ा मैं आज इलेबोरेट करके सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक जीनोम हैज़ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब हमारा जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है उसमें दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, एक हमारा फादर से आता है, एक मदर से आता है। ठीक, तो ये भी सबको पता है, दो सेट होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं हम सारे। ठीक, तो यूकैरियोटिक जीनोम हैज़ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम इन बल्कीनेस एज इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, आल्सो रिफर्ड टू एज द जंक डीएनए। अब देखिए, यूकैरियोटिक जीनोम जो होता है उसमें हमने ये देख लिया कि उसमें डबलेट्स के फॉर्म में होता है और एक पार्ट आता है फादर से, एक पार्ट आता है मदर से। इसके अलावा क्या होता है, यूकैरियोटिक जीनोम थोड़ा सा बड़ा और हैवी होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा सीक्वेंसेस होते हैं तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है, बल्कीनेस आ जाती है। और बहुत बड़ा होने के कारण उसमें कई सारे पार्ट ऐसे भी होते हैं जो कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, उनमें जीन्स नहीं पाए जाते, वो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। उन नॉन कोडिंग डीएनए वाले पार्ट को हम जंक डीएनए कहते हैं। और यही जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एनालाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन कोडिंग डीएनए का अपना अलग रोल है, ऐसा नहीं है कि नॉन कोडिंग है तो वो नॉन एसेंशियल हो गए या उसका कोई रोल नहीं है बॉडी में। नॉन कोडिंग डीएनए का भी बहुत रोल है क्योंकि जितने भी प्रमोटर एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में ही पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। उसके बाद द एंटायर यूकैरियोटिक डीएनए इज कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस एंड रिमेन्स एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। ये भी आपको पता है कि यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है और प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद देखिए, क्रोमेटिन के बारे में लिखा हुआ है। क्रोमेटिन कैसे बनता है, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और पैक हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो होता है उसमें होता क्या है, स्पेशली डीएनए और प्रोटीन्स। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है, देखिए क्रोमेटिन होता है नॉर्मल कंडीशन में जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है हमारा जीनोम या जेनेटिक मटेरियल, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं। लेकिन जब हमारा सेल डिवाइड होने वाली होती है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है उस टाइम पे क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिवीज़न हो सके एक एक पार्ट का। ठीक, तो ये हमारा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस हो गया। क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट। सबको पता है कि आरबीसीज में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो क्रोमेटिन भी नहीं पाया जाता, तो आरबीसी एक्सेप्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमेटिन इज डिस्टिंग्विशेबल एज टू डिफरेंट फॉर्म्स यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इंटरफेस स्टेज में, मतलब नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में सेल के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो दो पार्ट में होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हिस्टोन्स आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है वो हिस्टोन होती है। हिस्टोन कैसी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से मिल करके बनी होती हैं, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं अमाइनो एसिड, जिससे हिस्टोन प्रोटीन बनती है। अब देखिए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में देख लेते हैं। जो क्रोमेटिन का हमारा जो एक्टिव फेज़ होता है, जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो यूक्रोमेटिन कहलाता है, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन का क्या होता है, जिसमें नॉन कोडिंग डीएनए ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा जो यूक्रोमेटिन होता है वो
जब हम स्टेन करते हैं, ठीक है, जीमसा स्टेनिंग से स्टेन करते हैं तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन लेता है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है, और हेट्रोक्रोमेटिन हमेशा डार्क स्टेज डार्क स्टेन ही लेता है, डार्क ही कलर से हमेशा शो होगा, लेकिन यूक्रोमेटिन डिफ़र करता है। जैसे जब एक्टिव फेज होता है तो वो लाइट कलर का हो जाता है, थोड़ा सा ओपन हो जाता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो पैक्ड कंडीशन में रहता है तो उस टाइम पे वो भी डार्क स्टेन ले सकता है। तो इसके बारे में देखिए कि एक पॉइंट हम पढ़ देते हैं। क्रोमेटिन इज ईजिली डिस्टिंग्विशेबल इनटू टू फेजेस ड्यूरिंग इंटरफेज यूक्रोमेटिन विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव डीएनए विच कंटेन्स जीन्स एंड एबल टू बींग एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस इसमें एबसेंट होते हैं। ठीक है, जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट होता है उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एबसेंट होते हैं। इसको आप थोड़ा डार्क कर लीजिएगा। इट शोज चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टेनिंग फ्रॉम डार्केस्ट इन द मेटाफेज स्टेज टू लाइटेस्ट इन एस फेज। जब एस फेज होती है तो यूक्रोमेटिन कैसा स्टेन लेती है, लाइट स्टेन, और जब हमारी मेटाफेज स्टेज होती है तो ये डार्क स्टेन लेते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मेटाफेज में डार्क स्टेन और एस फेज में लाइट स्टेन लेते हैं यूक्रोमेटिन, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होंगे वो चाहे कोई भी फेज हो हमेशा क्या करेंगे, डार्क स्टेनिंग ही लेंगे, और उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगे। इनएक्टिव डीएनए वाला पार्ट या जंक डीएनए वाला पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन में भी में ही होगा, ये आपका हेट्रोक्रोमेटिन में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस हो गया। यूक्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स होंगे, हेट्रोक्रोमेटिन में कोई जीन्स नहीं होंगे। यूक्रोमेटिन में कोई भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नहीं होंगे, हेट्रोक्रोमेटिन में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगे। इसके अलावा यूक्रोमेटिन में हम यूक्रोमेटिन जो होगा वो डार्क बैंड दिखाएगा मेटाफेज स्टेज में और लाइट दिखाएगा एस फेज में, और हेट्रोक्रोमेटिन हमेशा ही डार्क दिखेगा। तो ये हमारे कुछ डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट हो गए दोनों में, जिसको आप नोट कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद देखिए न्यूक्लियोसोम, हमने क्या पढ़ लिया कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है क्रोमेटिन का, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं, कब किस स्टेज में कैसा पाया जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा उनके ऑर्गेनाइजेशन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल में, कि किस तरह से डीएनए और प्रोटीन आपस में ऑर्गेनाइज रहते हैं, बाइंडेड कंडीशन में रहते हैं। उसमें हिस्टोन का ऑक्टामर होता है जिसमें डीएनए थ्रेड लिपटा हुआ होता है और सोलेनोइड का स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद वो सुपर सोलेनोइड की फॉर्म में आ जाता है, फिर क्रोमेटिन बनाता है, फिर क्रोमोसोम बनाता है। ये डिफरेंट लेवल आपने ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े होंगे, इसीलिए हमने न्यूक्लियोसोम को यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन न्यूक्लियोसोम के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक लाइन मैंने यहाँ लिख दी है न्यूक्लियोसोम के बारे में, और बाकी तो डिटेल में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है। इसको आप लोग अपने मेरे दूसरे वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने डीएनए पैकिंग के बारे में बताया हुआ है, वहीं पे न्यूक्लियोसोम के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसके अलावा और क्या होता है यूकैरियोटिक जीनोम में? यूकैरियोटिक जीनोम में हमारे क्या होते हैं, इन्हांसर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, साइलेंसर्स, इंसुलेटर्स, टर्मिनेटर्स, ये सारे सीक्वेंसेस भी होते हैं, जिसमें से आज हमने यहाँ प्रमोटर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। प्रमोटर यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सिस्टम में किस तरह से डिफरेंट होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। प्रमोटर सीक्वेंसेस हमेशा डीएनए पे प्रेजेंट होंगे। कई बार लोग गलती से प्रमोटर और टर्मिनेटर ये सारे सीक्वेंसेस आरएनए में लगा के चले आते हैं, अक्सर ऐसा होता है, तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करिएगा। प्रमोटर टर्मिनेटर सीक्वेंसेस केवल डीएनए पे ही प्रेजेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रमोटर सीक्वेंसेस के बारे में हम देख लेते हैं। प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी जीन के अपस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है, पहले प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे कोई जीन है, ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट में प्रमोटर प्रेजेंट होता है मोस्टली, या बहुत अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है। इधर वाला पार्ट डाउन स्ट्रीम कहा जाता है और पहले वाला पार्ट अपस्ट्रीम कहा जाता है, ये सब आपको पहले से ही क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में क्या होता है, हमारे कुछ कंजर्व्ड रीजन होते हैं, जैसे टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स को हम प्रोकैरियोट्स के केस में टाटा बॉक्स ना कह के प्रिमनाओ बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। प्रिमनाओ बॉक्स हमेशा प्रोकैरियोट्स में होगा, पी से प्रिमनाओ, पी से प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और प्रमोटर का पार्ट है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, यहाँ पे जीन है, कोई जीन जो ट्रांसक्राइब होगी इस तरीके से, तो इसके पहले हमारे यहाँ टाटा बॉक्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग टाटा बॉक्स ना कह के प्रिमनाओ बॉक्स कह सकते हैं। तो ये हम पी से शो कर देते हैं, और उसके भी पहले हमारे पाए जाते हैं कुछ और सीक्वेंसेस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं -35 सीक्वेंसेस। और ये जो प्रिमनाओ बॉक्स होते हैं -10 सीक्वेंस पे पाए जाते हैं। -10 का मतलब क्या हुआ, हमारा जो जो जीन है उसके 10 न्यूक्लियोटाइड पहले पाया जाता है
प्रिमनाओ बॉक्स और उसके 35 न्यूक्लियोटाइड पहले पाया जाता है ये वाला रीजन जो -35 कंसेंसस सीक्वेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अराउंड इतने बेस पेयर पहले पाए जाते हैं इसलिए उसको उसी नाम से हम जानते हैं। तो ये यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रमोटर जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रिमनाओ बॉक्स का जो सीक्वेंस है वो हमने कहा टाटा एटी होना चाहिए, TATA80। ठीक है, और जो -35 का सीक्वेंस ये होना चाहिए, तो हर जगह यह एकदम परफेक्ट नहीं होता, कहीं पे सेम यही सीक्वेंस भी पाया जा सकता है, कहीं थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट यही सीक्वेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहा जाएगा, वो अच्छी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से लीव नहीं कर पाएगा ईजिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि अगर बिल्कुल सीक्वेंस यही होगा तो वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा, वरना वो उसको वीक प्रमोटर कहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन है इन दोनों सीक्वेंसेस से तो उसको वीक प्रमोटर कहेंगे। तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स के केस में हो गया, प्रिमनाओ बॉक्स -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस। ठीक है, अब हम यूकैरियोट्स के केस में देखते हैं कैसा होता है। यूकैरियोट्स के केस में जो प्रमोटर होते हैं वो तीनों आरएनए पॉलीमरेज के केस में अलग अलग होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 पाया जाता है यूकैरियोट्स के केस में। ठीक है, तो उन तीनों ही आरएनए पॉलीमरेज के जो प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो वही हम देख लेंगे। पहले हम आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि हमारा मेन आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए की सिंथेसिस करता है उसके बारे में देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर कैसा होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे देखिए, इसमें आप यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, ये हमारा जीन है। ठीक है, जिसमें इस तरह से एरो लगा होता है ना, वो मतलब वो हमारा जीन या ट्रांसक्राइब रीजन है जो ट्रांसक्राइब होगा। उसके पहले देखिए टाटा बॉक्स है। अब इस केस में हम प्रिमनाओ बॉक्स नहीं कहेंगे, इसमें हम टाटा बॉक्स ही कहेंगे यूकैरियोट्स के केस में। तो टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है लगभग 30 न्यूक्लियोटाइड पहले, -30 सीक्वेंस के अराउंड टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होता है, वो भी किस केस में, आरएनए पॉलीमरेज 2 के प्रमोटर के केस में। इसके अलावा कुछ प्रमोटर के प्रॉक्सिमल एलिमेंट होते हैं, मतलब इस जो प्रमोटर का जो मेन है टाटा बॉक्स उसके भी पहले प्रेजेंट होते हैं कुछ सीक्वेंसेस, उनके नाम है जैसे कैट बॉक्स, जीसी बॉक्स। ठीक है, ये सारे बॉक्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टाटा बॉक्स के भी पहले, जिनको हम प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स कहते हैं। उनके भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, -50 से लेके -200 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स का सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है जो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहलाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2 के केस में। अगर परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो हम उसको वीक कह सकते हैं। तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर यहाँ बना हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 1 का प्रमोटर देखिए कैसा होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का प्रमोटर भी उसमें क्या होता है, कोर प्रमोटर रीजन होता है। जैसे एक सेकंड, अगर मैं इसको बनाऊँ ड्रॉ करूँ, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से जीन को ट्रांसक्राइब होना है तो एक कोर प्रमोटर होगा जिसमें टाटा बॉक्स होगा। ठीक है, कोर प्रमोटर में हमेशा टाटा बॉक्स ही होगा जो कि हमने पहले वाले केस में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट यूसीई एलिमेंट होता है जो कि 100 से 150 बेस पेयर पहले प्रेजेंट होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के। तो इसमें कोर प्रमोटर हो गया और यूसीई एलिमेंट हो गए। इसमें कोर प्रमोटर के साथ ऊपर वाले में कोर प्रमोटर के साथ हमारे प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट थे, और आरएनए पॉलीमरेज 1 के केस में कोर प्रमोटर के साथ हमारा प्रेजेंट है यूसीई। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको हम अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं। उसके कुछ अलग सीक्वेंसेस होते होंगे, उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आप इतना ध्यान रखिए कि दो पार्ट इसके भी होते हैं प्रमोटर के, कोर प्रमोटर होते हैं, यूसीई एलिमेंट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 के केस में। और ये किसको बनाता है, आरआरएनए को बनाता है। ठीक है, एक्सेप्ट 5S rRNA। ठीक है, उसके बाद देखिए आरएनए पॉलीमरेज 3 का केस देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो प्रमोटर होता है वो डाउनस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है। जी हाँ, ये हमारे जीन के बाद में प्रेजेंट होता है, पहले अपस्ट्रीम रीजन में ना प्रेजेंट होकर डाउनस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक, और उसके भी वो भी दो टाइप के होते हैं, टीआरएनए के लिए अलग टाइप के प्रमोटर्स होते हैं और 5S rRNA के लिए अलग टाइप के प्रमोटर होते हैं। तो जो टीआरएनए का प्रमोटर होता है उसमें बॉक्स ए और बॉक्स बी होता है, इसके कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोगों को सीक्वेंस इसमें भी नहीं पूछा जाता, केवल बॉक्स के फॉर्म में पूछा जाता है कि बॉक्स ए और बी किस केस में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 3 बॉक्स ए और बॉक्स बी को पहचानेगा। अगर
आरएनए पॉलीमरेज 5S आरआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, तो वो बॉक्स ए और बॉक्स सी को पहचानेगा। मतलब बॉक्स ए कॉमन है, केवल बी और सी के बेसिस पे ही चेंज हो रहा है, जो हमारे टीआरएनए और 5S आरआरएनए को कोड करेंगे। तो बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में कुछ और भी कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, जिनको हम इंटरमीडिएट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टीआरएनए वाले प्रमोटर के केस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको आरएनए पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, बॉक्स ए भी पाया जाता है टीआरएनए के केस में और 5S आरआरएनए के केस में बॉक्स ए और सी पाया जाता है। इतना ही बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें आप भूल जाइए। उसके बाद कुछ टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं। टर्मिनेटर सीक्वेंस जहाँ पे हमारा ऐसा सीक्वेंस आ जाए जहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस ख़त्म होनी हो, तो वो टर्मिनेटर सीक्वेंसेस कहलाते हैं, और ये हमारा हमेशा डाउनस्ट्रीम रीजन में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए जस्ट डाउनस्ट्रीम द जीन कोडिंग रीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंड विच रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जहाँ टर्मिनेशन होना होगा वो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस होंगे। ये भी अलग अलग होते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स के केस में कुछ अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस लेकिन जीन नोम ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इन्हांसर्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं प्रमोटर के अलावा, और प्रमोटर से भी पहले प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो बहुत ही पहले प्रेजेंट होंगे, जो हमारे प्रोक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट जहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं उससे भी पहले, तो वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके अलावा साइलेंसर्स होते हैं जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की रेट को कम कर देते हैं। मतलब एक तरीके से इन्हांसर्स और साइलेंसर जीन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन्हांसर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा देते हैं, साइलेंसर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करते हैं जब ज़रूरत ना हो जीन की। तो इसके अलावा कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर का कुछ खुद का काम नहीं होता, ये केवल इन्हांसर्स और साइलेंसर्स को ही रेगुलेट करते हैं। मतलब इन्हांसर साइलेंसर जीन को रेगुलेट करेंगे, और इन्हांसर्स और साइलेंसर को भी रेगुलेट करने का काम इंसुलेटर करेंगे। मतलब इंसुलेटर डायरेक्ट जीन पे अपना इफेक्ट नहीं डालेंगे, इसलिए इनको हम इंसुलेटर कह रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही पार्ट आपको पढ़ना होगा यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार रीडिंग लगानी है, वो भी बहुत ध्यान से, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते होंगे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और जो भी पॉइंट इसमें आपको ऐसा लगे कि आपके लिए नया है या आप इसको बाद में भूल जाएंगी, उसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लें, वो आपके आगे के लिए काम आएगा। केवल आपको AKTU का एग्ज़ाम ही पास नहीं करना है, आगे जाके आपको कॉम्पिटिशन में भी बैठना है। कुछ लोगों को NET GRF देना होगा, कुछ लोगों को गेट देना होगा, तो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।